हेलो नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल टेक 83 गाइस। एंड आ गए हम आज एक नई रीडिंग के साथ। आज की रीडिंग का टॉपिक है कि ये जो अगस्त का महीना जो शुरू हुआ है आप लोगों के लिए, ये जो नया महीना आज से स्टार्ट हुआ है, इसमें आपकी सोल जर्नी, आपको क्या गुड न्यूज़, क्या ब्लेसिंग्स, क्या अचीवमेंट, क्या रिलेशनशिप में आपके चेंज आने वाला है, क्या आप अचीव करने वाले हो, सो डेफिनेटली हम यहाँ पर यही जानेंगे। तो आपकी सोल जर्नी भी जानेंगे, आपके अचीवमेंट्स जानेंगे, आपकी ब्लेसिंग्स जानेंगे, क्या सरप्राइज, क्या गुड न्यूज़ आपको मिलने वाला है, कोई अगर आपकी लाइफ में आने वाला है इस महीने में, तो डेफिनेटली यहाँ पर ये भी पता लगाएंगे। और अगर आपको कुछ ना कुछ जॉब में, करियर में, या फिर आपके जो जो भी आप अपने लाइफ में चाहते हो, उन सब चीज़ों में कुछ ना कुछ रिन्यूअल आने वाला है, कुछ नया आने वाला है, तो वो भी हम देखेंगे। ओके, सो गाइस, इट्स जनरल रीडिंग, कलेक्टिव रीडिंग, सभी साइंस के लिए है, तो आपसे रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी। और रीडिंग टाइमलेस है, जब भी देखोगे कोई ना कोई गाइडेंस मिलेगी। अगस्त मंथ के अंदर अंदर जब भी देखोगे आपको कोई ना कोई गाइडेंस जरूर मिलेगी। ओके, सो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं, कार्ड्स को शफल करना शुरू करते हैं और देखते हैं क्या होता है। चलिए, पहला कार्ड है नाइन ऑफ पेंटिकल्स, टेन ऑफ कप्स, वाओ, नाइन एंड टेन, ओके, सिक्स ऑफ सोर्ड्स, ओके, नाइट ऑफ वैंड्स, वाओ, पेज ऑफ सोर्ड, नाइस, गाइस ये दोनों ही कार्ड आ रहे हैं, मैं इन दोनों को ही ले लेता हूँ, एस ऑफ कप्स एंड द फूल, वाओ, एट ऑफ वैंड्स, काफी पॉजिटिव कार्ड जा रहे हैं इस रीडिंग में। तो ये लीजिए, आ गए हैं किंग ऑफ पेंटिकल्स, दो कार्ड हैं, हमें एक की जरूरत है, मैं नहीं लूंगा, इन दोनों को ही रख देता हूँ वापस। चलिए, फोर ऑफ वैंड्स एंड बॉटम ऑफ द डेक वी हैव फाइव ऑफ पेंटिकल्स, वी हैव टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस एरीज लियो सजिटेरियस, वी हैव एक्वेरियस सजिटेरियस स्पेशल, ओके, एंड कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस एरीज लियो सैज, बाकी तो सभी साइंस सेम है। बाकी है कि साइंस यहाँ पर सारे हैं, कोई भी ऐसा नहीं है कि एक आधा कम है एक आधा नहीं है, सारे हैं, ओके, तो जो ये मंथ है अगस्त मंथ की हम अगर बात करें, आपका क्या कैसा रहने वाला है, क्या होने वाला है, तो अभी तक तो आप बहुत ज़्यादा स्ट्रगल से निकले हो, आपके पास पैसा नहीं है, आपका पर्सन नहीं है, आप बहुत दुखी हो, निराश हो, आपको लग रहा है कि आपकी लाइफ में सब कुछ रुक सा गया है, कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, कुछ भी ढंग से चल नहीं रहा है, बहुत प्रॉब्लमेटिक लाइफ हो गई है, आपको लगता है कि हर एक चीज़ ना अपने हिसाब से नहीं, जिस हिसाब से चलनी चाहिए उस हिसाब से नहीं चल रही है, आपके हिसाब से नहीं चल रही है, जिसकी वजह से आपको बहुत प्रॉब्लम भी फेस करनी पड़ती है, और आपको बहुत प्रॉब्लम जैसा फेस होता है, आप करते हो, आपको लगता है कि आपकी लाइफ में इस टाइम पर कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं, बहुत ज़्यादा सिचुएशन क्रिटिकल चल रही है आपकी, और आप फाइनेंशियली भी बहुत ज़्यादा स्टेबल नहीं हो, एंड इवन लव लाइफ तो आपकी बिल्कुल ही ख़राब पड़ी हुई है, एंड इवन फैमिली का भी आपकी तरफ मुझे कोई सपोर्ट नहीं दिख रहा है, ठीक है, फैमिली का भी यहाँ पर कोई सपोर्ट नहीं है,
बट अगर मैं बात करूँ कहीं ना कहीं अगस्त मंथ की, तो डेफिनेटली अगर आप सिंगल भी हो तो अगस्त मंथ में ना आप इतना पैसा कमाने वाले हो, इतना पैसा कमाने वाले हो कि मतलब आप बहुत हार्ड वर्क करोगे अगस्त मंथ में अपने लिए। मतलब इस मंथ में, ये जो मंथ चल रहा है अब हमारा, न्यू मंथ जो स्टार्ट हुआ है आज से, इस मंथ में आप बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करने वाले हो, आप बहुत ज़्यादा सेल्फ सफिशियंसी लाने वाले हो, खुद को मैच्योर बनाने वाले हो, खुद को बहुत ही पॉजिटिव वे में आगे लेकर चलने वाले हो। क्योंकि मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि यस, अब तक आपके जो रास्ते बंद थे किस्मत के, अब तक जो आपको अबंडेंस नहीं मिल रही थी, जो भगवान का दिया वो आपको नहीं मिल रहा था, मटेरियल हार्वेस्ट जो आपके पास नहीं था वो आने वाला है। एंड इवन यहाँ पर मैं ये भी देख सकता हूँ कि यस, काफ़ी सारे लोगों को, जिन लोगों के बीच में डाइवोर्स की बात चल रही है या फिर जिन लोगों के बीच में प्रॉब्लम्स चल रही हैं, मतलब फैमिली को लेकर जो फैमिली इश्यूज चल रहे हैं या कास्ट इश्यूज चल रहे हैं, रिलीजन इश्यूज चल रहे हैं, वो भी रिजॉल्व हो जाएंगे विद द टेन ऑफ कप्स। क्योंकि देखिए आप टेन ऑफ कप्स को देख सकते हैं कि एक फैमिली कार्ड होता है, एक ब्लिसफुल कार्ड है ये, एक एलिगेंट, मतलब यहाँ से आप इतनी खूबसूरत वाइब गेट कर सकते हो कि आप एक रेनबो देख रहे हो उस कार्ड के अंदर। तो डेफिनेटली ये जो है, मतलब कार्ड, ये हमें यही बताना चाह रहा है, यही समझाना चाह रहा है कि यस, आप परेशान ना होइए, प्रॉब्लम में मत आइए, क्योंकि हैप्पी फैमिली भी आपकी बनेगी, आपके पास घर भी होगा, मकान भी होगा। अगर आप अपने घर को लेकर बहुत टेंशन में हो कि आपके पास अपना खुद का घर नहीं है, तो डेफिनेटली वो भी बहुत जल्द हो जाएगा, बहुत जल्द, ठीक है। एंड इवन मैं यहाँ पर ये भी देख सकता हूँ विद द सिक्स ऑफ सोर्ड्स, जो कि आप मुझे दिख ही रहा है कि जो लोग अपने पार्टनर से सेपरेशन में, और या फिर जो वेट कर रहे हैं किसी अपॉर्चुनिटी का, किसी अपने रिकन्सिलिएशन का भी अगर वेट कर रहे हो, या फिर ओवरसीज अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे हो कि आपको कहीं बाहर जाकर सेटल होना है या बाहर जाकर काम करना है, तो डेफिनेटली गाइज आप लोगों को मतलब बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ मिलेंगी इस अगस्त मंथ में। आपके पर्सन भी आपके पास आ सकते हैं, एंड इवन आपको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दी जा सकती है आपकी कंपनी के थ्रू कि आप कहीं बाहर जाके वर्क करो, तो वो तो बहुत ही खूबसूरत चीज़ है। वाओ, एंड नाइन ऑफ वैंड्स मुझे क्लियरली दिखा रहा है कि यस, कुछ ना कुछ आप एक्शन करने वाले हो, कुछ ना कुछ आप अपने लिए एक्शन लेने वाले हो इस मंथ के अंदर अंदर, बहुत ज़्यादा ही तगड़ा एक्शन लोगे जिससे कि आपकी लाइफ में चेंज आएगा। तो मुझको दिख रहा है कि काफ़ी लोगों का वो एक्शन ये हो सकता है कि आप सोशल मीडिया के थ्रू कमाने लग जाओ, लाइक इंस्टाग्राम, यूट्यूब, इन सब प्लेटफॉर्म से कमाने लग जाओ, मुझे ये दिख रहा है यहाँ पे। एंड काफ़ी ज़्यादा आप डेडिकेशन के साथ वर्क करोगे उस चीज़ के लिए, मुझे ये भी दिख रहा है। बाकी जो हमारा पेज ऑफ सोर्ड कार्ड है वो मुझे क्लियरली दिखा रहा है कि अगर मैं आपके रिलेशनशिप की बात करूँ वहाँ से, तो डेफिनेटली जो आपके पर्सन हैं वो आपको बहुत ज़्यादा स्टॉक कर रहे हैं इस टाइम। मे बी ये एक्शन आपके पर्सन की तरफ से भी आ सकता है, क्योंकि यहाँ पर कार्ड तो दोनों ही हैं, पेज ऑफ सोर्ड्स भी है एंड नाइट ऑफ वैंड्स भी है। तो मे बी आपके पर्सन आपको एक्शन दे सकते हैं कि उनकी तरफ से कोई मैसेज, कोई कॉल, कोई टेक्स्ट आ जाए आपके लिए। बट येस, अनकंडीशनल लव, जिस भी पर्सन, जो लोग, देखिए अब मैं बता देता हूँ जिन लोगों के लिए, जो लोग ये रीडिंग देख रहे हैं अपनी शादी के लिए कि हमारी शादी किससे होगी, कैसा हमारा मतलब रिलेशनशिप रहेगा, तो एक बहुत ही रिच आदमी से आपकी शादी होगी या एक बहुत ही रिच घर की लड़की से आपकी शादी होगी, बिकॉज हमारे पास किंग ऑफ पेंटिकल कार्ड है। तो या फिर हो सकता है कि यस, ये इंसान बहुत ज़्यादा मतलब आप या तो ये रिच है या फिर आप आगे चल के बहुत ज़्यादा रिच बन जाओगे, यहाँ पर दो पॉसिबिलिटीज़ हैं। ओके, बट यस, मुझे यहाँ पर ज़्यादा ये दिख रहा है कि ऐसे एक बहुत ही रिच घर में आपकी शादी होने वाली है, मुझे यहाँ दिख रहा है। और आपके पर्सन के पर्सनालिटी ट्रेड्स, उनके गुण, उनके सब कुछ आपसे बहुत ज़्यादा मिलते होंगे। और इवन काफ़ी सारे लोगों की तो रिकन्सिलिएशन भी दिख रहा है मुझे इस मंथ में, बिकॉज अनकंडीशनल लव तो आप दोनों के बीच में है ही, तो रिकन्सिलिएशन होगा विद द फूल कार्ड, जो कि फूल कार्ड मुझे दिखा रहा है यस, न्यू बिगिनिंग है, न्यू, अगर आप कुछ नया स्टार्ट करने वाले हो या लाइक अपना बिजनेस या फिर कोई वर्क, कोई जॉब, तो वो भी यहाँ पर बहुत जल्द स्टार्ट हो जाएगा। और अगर आप रिकन्सिलिएशन चाहते हो अपने पर्सन से, तो वो भी आपका रिकन्सिलिएशन भी हो जाएगा इस अगस्त मंथ के अंदर अंदर। एंड विद द एट ऑफ वैंड्स, जो हमारा एट ऑफ वैंड्स कार्ड है, यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि यस, कुछ ना कुछ नए एयर ट्रैवल या फिर वर्ल्ड ट्रैवल या फिर कुछ ना कुछ तो ऐसा ट्रैवल आने वाला है आपकी लाइफ में, जो आपकी लाइफ में चेंज लेकर आएगा, कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में चेंज आएगा। और जैसे कि मैंने कहा कि किंग ऑफ पेंटिकल्स, या तो मैरिज होने वाली है किसी ऐसे इंसान से जो बहुत रिच है, और अगला कार्ड हमारा मैरिज कार्ड ही है। तो मे बी आपका जो ये पर्सन होगा, शायद मे बी ये ट्विन फ्लेम हो आपके या सोलमेट हो सकता है, क्लियरली यहाँ पर दिख रहा है, क्योंकि तो यस, आपके ट्विन या आपके सोल हो सकते हैं, सोलमेट हो सकते हैं ये पर्सन। ओके, बाकी तो जो दिख रहा था मुझे मैंने आपको बता दिया, बाकी हम आपकी सोल जर्नी देख लेते हैं कैसी रहेगी।
इस मंथ में आपको क्या, किस तरीके से अपनी सोल के साथ चलना है, क्या करना है। फियर, तो सबसे पहले तो आपको अपने डर को भगाना है, आपको अपना खुद का टेस्ट लेते लेना है हर एक सिचुएशन में, और अपने अंदर एनर्जी ऑफ लव को बना के रखना है, अनकंडीशनल लव को बना के रखना है। ओके, ये इम्पॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, सरेंडर करने की बहुत ज़रूरत है। अगर आपको डर लगता है, आपको चीज़ें खोने का डर लगता है, या फिर आपको चीज़ें छूट जाने का डर लगता है, या किसी पर्सन के चले जाने का डर लगता है, तो सरेंडर करना बहुत ज़रूरी है। आपको सरेंडर करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है गॉड पर। अगर आप सरेंडर करोगे तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में चेंज आएगा। वाओ, वी हैव इमेजिनेशन। तो देखिए, इमेजिनेशन इज़ अ गुड थिंग, इमेजिन करना अच्छी चीज़ है, बट काफ़ी बार हमें क्रिएटिव एस्पेक्ट्स के हिसाब से भी सोचना पड़ता है, प्रैक्टिकली भी सोचना पड़ता है। तो आपको ना ज़्यादा इमेजिन नहीं करनी है चीज़ें, आपको उनके लिए प्रैक्टिकली वर्क करना है। ओके, तो क्योंकि इस मंथ के अंदर आप अपने डरों से भी लड़ोगे, आपको सरेंडर भी करना है, और अपनी इमेजिनेशन को ख़त्म करके आपको थोड़ा प्रैक्टिकल भी होना है। बिकॉज आप जो चीज़ इमेजिन कर रहे हो करो, इमेजिनेशन इज़ अ गुड थिंग, बट आपको उस चीज़ को अपने प्रैक्टिकल वे में भी तो लाना होगा। ठीक है, तो इमेजिनेशन करो करो, पर साथ ही साथ प्रैक्टिकल भी होगा। लोनलीनेस, अगस्त मंथ के अंदर अंदर ये लोनलीनेस ख़त्म होने वाली है, और आप कभी अकेले नहीं हो, आपके साथ हमेशा है, गॉड है, भगवान है, अल्लाह, जीसस, गुरु, रब, हर कोई आपके साथ है। तो आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, लोनलीनेस कभी नहीं आएगी आपकी लाइफ में, क्योंकि आपको खुद को पता है कि आप अकेले नहीं हो, आपके पेरेंट्स, आपके सिबलिंग्स, आपके फ्रेंड्स, आपके रिलेटिव्स, कुछ ना कुछ आपको, कोई ना कोई आपके कजिन्स आपको सपोर्ट करते होंगे, कुछ ना कुछ तो है ऐसा जो आपकी लाइफ में आपको सपोर्ट कर रहा है। सर्विस, यस, आपको कुछ ना कुछ जॉब वॉब तो देखिए मिलने वाली है डेफिनेटली, और आपको अपने पीस को बरकरार रखना होगा, पीस में रहना होगा हर वक्त। अगर आप अपने पीस को बरकरार रखोगे, पीस में रहोगे, बीइंग ऑफ लव, रिलीज ऑल नेगेटिव एनर्जी, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे से आप हर एक सर्विस कर पाओगे। ठीक है, देख लेते हैं साइकिक से क्या आता है। काला कार्ड आ गया, इमोशनल विथड्रॉ। तो यस, अगस्त मंथ में ये जो इमोशनल विथड्रॉ अभी आपकी लाइफ में चल रहा है, ये बहुत जल्द खत्म होने वाला है, क्योंकि आप सरेंडर कर दोगे ना गॉड पर, बाकी तो गॉड देख लेंगे, गॉड का काम है बाकी चीज़ें देखना। तो वाओ, वी हैव होप। तो आपको होप नहीं छोड़नी है, उम्मीद नहीं तोड़नी है, आपको परेशान नहीं होना है। मटीरियल हार्वेस्ट, नाइन ऑफ पेंटिकल्स, तो डेफिनेटली आपको भगवान का दिया हुआ सब कुछ मिलेगा, सेल्फ सफिशिएंसी, पास्ट के हुए इवेंट्स से मूव ऑन करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बहुत ही ज़्यादा। वी हैव अवेयरनेस, तो अवेयर रहिए हर एक चीज़ से, अपने विजडम का इस्तेमाल अच्छे से करिए, और इमोशनल विड्रॉ बहुत जल्द खत्म हो जाएगा। होप रखना, उम्मीद रखना इस कनेक्शन में, इस रीडिंग में, गॉड में, एंजल्स में, अपने सरेंडर जो किया है गॉड में उसमें बिलीव रखना। मटेरियल हार्वेस्ट मुझे क्लियरली दिखा रहा है कि यस, ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपके लिए, अपने लिए, और ये चाहते हैं कि यस आपको, या तो ये पर्सन कर रहे हैं या आप कर रहे हो, दोनों में से कोई भी हो सकता है, बट यस आपके पास आगे चल के बहुत सेल्फ सफिशिएंसी होने वाली है। शेडो यहाँ पर क्लियरली दिखा रहा है कि पास्ट में हुए इवेंट्स को भूलने की ज़रूरत है और आगे बढ़ने की ज़रूरत है, पास्ट में अटके रहने की ज़रूरत नहीं है, स्टक होने की ज़रूरत नहीं है। एंड अवेयरनेस, अपने आप को अवेयर रखने की आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। एंड लाइट, जो हमारा यहाँ पर कार्ड आया है वो यही है कि आगे चल के आपकी लाइफ में एक रोशनी, एक उमंग ज़रूर आएगी। वी हैव एक्शन, तो एक्शन आ सकता है गाइज, एक्शन आएगा या आप एक्शन लोगे, ये एक्शन आपके पर्सन की तरफ से भी हो सकता है, आपकी तरफ से भी हो सकता है। वी हैव केयरिंग कनेक्शन, बहुत ही केयरिंग होगा ये कनेक्शन, बहुत ही ज़्यादा। फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट्स आपके बहुत जल्द खत्म होने वाले हैं। एंजल ऑफ स्ट्रेंथ आपको स्ट्रेंथ देंगे, एंड कॉन्ट्रैक्ट तो आपका बन चुका है गॉड के थ्रू आपके पर्सन से, तो ये कॉन्ट्रैक्ट तो कोई नहीं तोड़ सकता। एंजल से बात कर लेते हैं, क्या कहेंगे एंजल। वी हैव बिग हैप्पी चेंज, आपके पास बिग हैप्पी चेंज आ रहे हैं, एंड यस डेफिनेटली आ रहे हैं, बिग हैप्पी चेंज आ रहे हैं आपकी लाइफ में। एंजल्स ने पहला ही इशारा कितना खूबसूरत दिया है कि यस बिग हैप्पी चेंज आ रहे हैं।
फ्यू वीक्स के अंदर ही आ रहे हैं, यानी कि इसी मंथ में आ जाएंगे। एक मंथ में 4 वीक्स होते हैं, तो इसी मंथ के अंदर अंदर आ जाएंगे। यस, गेट मोर इन्फॉर्मेशन, जिस भी चीज़ को आप चाहते हो या जो भी चीज़ पाना चाहते हो उस चीज़ की इन्फॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा इकट्ठी करो। एंड ट्रस्ट रखना, ट्रस्ट रखोगे तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में चेंजेस आएंगे एंड अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी। वाओ। सो गाइस, मेरी बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर नहीं कर रखा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो, ठीक है। और अगस्त मंथ आपका बहुत खूबसूरत होने वाला है, बहुत ब्यूटीफुल होने वाला है, और मुझे आप लोगों की एक हेल्प चाहिए। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मेरी इस वीडियो को शेयर करें ताकि ये लोगों तक पहुँचे और लोग उसे देखें और लोगों को इससे कुछ ना कुछ स्ट्रेंथ मिले, कुछ ना कुछ वो डेवलप हों, कहीं ना कहीं उनका एक साइकोलॉजिकल स्टेट ठीक हो ताकि वो लोग आगे चल के अच्छे से अपने लिए वर्क कर सकें। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, जिनको भी इसकी नीड हो प्लीज़ वीडियो शेयर ज़रूर करना, और लाइक करके बताना, कमेंट करके बताना। और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर। और कल से तो रोज़ाना वीडियो अपलोड होने वाली है, आपका अब ये इंतज़ार खत्म हो चुका है, अब कल से रोज़ वीडियो अपलोड होगी। ओके, बाय, टेक केयर। प्लीज़ शेयर कर देना यार, प्लीज़। थैंक यू।